गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिन्ने फ्रॉम द बुक विस्टास ऑफ 12th क्लास। डियर स्टूडेंट, जैक फिन्ने जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उन्होंने इस स्टोरी को रियलिटी और इमेजिनेशन का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, एक इतना अच्छा ब्लेंड बना दिया है कि जो रीडर्स हैं उनको कई बार यही नहीं पता चल पाता कि जो ये घटनाओं का वर्णन किया है वो रियलिटी है या इमेजिनेशन है। और रियलिटी और इमेजिनेशन का जो ये कॉम्बिनेशन है, यही इस चैप्टर का एक चार्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम साथ साथ मैं क्लियर करता चलूँगा कि क्या इमेजिनेशन है और क्या रियलिटी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसके बारे में कि जो राइटर है उसने एक नैरेटर का बनाया हुआ है, और जो नैरेटर है, नैरेटर का मतलब होता है जो कहानी को अपनी तरह से नैरेट कर रहा होता है, सुना रहा होता है। तो वो नैरेटर बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन है, और अपने ही इमेजिनेशन में वह बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं कर लेता है, इस तरह की बहुत सारी कंसेप्ट तैयार कर लेता है जो वास्तव में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मेन है इसमें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ अमेरिका, वहाँ का ये सीन है। वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल दो लेवल हैं, लेकिन वो बात करता है कि मैं तीसरे लेवल पर भी गया हूँ, और वो इस बात को प्रूव करने के लिए आगे बहुत सारी कल्पनाएँ और करता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टॉक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। वो बताना चाहता है रियलिटी में कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसकी कुछ रोड्स हैं, रेल रोड्स हैं जिनके नाम दिए हैं इसमें, न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स। इनके यदि प्रेसिडेंट शपथ लेकर भी ये बात कहते हैं, मतलब वो इस बात को सिद्ध करने के लिए शपथ लेकर कह सकते हैं कि इसका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो लेवल हैं, बट आई से देर आर थ्री, परंतु मैं कहता हूँ कि ये तीन हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर गया हूँ। यस आई हैव टेकन ए ऑब्वियस स्टेप, हाँ निश्चित रूप से मैंने कुछ क्लियर ऑब्वियस स्टेप लिए हैं, अर्थात मैं उन पर चला हूँ, कदम रखे हैं मैंने। आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त को ये बात बताई, अमोंग अदर्स, और दूसरे लोगों को भी, यानी कुछ अपने और दोस्तों को भी, और उनमें एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसको मैंने ये बात बताई। अब उनमें क्या होता है, जो ज़्यादातर लोग होते हैं उसकी बात पर कुछ विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो साइकेट्रिस्ट है वो ये बात जानता है कि ये रियलिटी नहीं है, बल्कि ये कुल केवल उनका इमेजिनेशन है। आगे देखेंगे, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे, जो नैरेटर है वो बताता है कि मैंने उसे, उसे का मतलब साइकेट्रिस्ट को, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया, एंड ही सैड इट वॉज वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, और जो मेरा साइकेट्रिस्ट था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसने बताया कि ये सच्चाई नहीं है, बल्कि ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए चलता फिरता एक सपना था। ठीक है, तो अब साइकेट्रिस्ट बोलता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, ये तुम्हारा सपना है, ये तुम्हारा भ्रम है, लेकिन जो नैरेटर है वो इस बात को प्रूव करने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं, वो झूठ नहीं है, वो सच है, मेरी इमेजिनेशन नहीं है, वो रियलिटी है। बस पूरा चैप्टर इसी पॉइंट पर लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, अब वो नैरेटर बोलता है कि साइकेट्रिस्ट ने कहा कि भाई मैं दुखी हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में कुछ उल्टे सीधे विचार इस तरह के आ जाते हैं, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इस बात ने मेरी पत्नी को परेशान कर दिया, पागल बना दिया का मतलब वह परेशान हो गई, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट, परंतु उसने एक्सप्लेन किया, समझाया दैट कि ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि उसका मतलब ये है कि ये जो संसार है वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर, भय से डर भरा हुआ है, वॉर, वरी एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ों से भरा हुआ है, मतलब इसमें परेशानियां हैं, भय है, डर है, इनसिक्योरिटी है। तो इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में जाता है तो इस तरह की इमेजिनेशन वो करने लगता है, उसका कहने का मतलब ये था साइकेट्रिस्ट का, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं केवल इन चीज़ों से बचना चाहता था। साइकेट्रिस्ट ने बताया कि तुम इस चीज़ से बचना चाहते हो, इसलिए तुम अपने सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, और अपने आप को बचाने के लिए अब दूसरी दुनिया में चले गए। वेल, हु डजंट,
अब राइटर बोलता है कि अच्छा मैं ही बचना चाहता हूँ, ऐसा कौन है जो नहीं बचना चाहता है? अगर इस तरह से तो सभी एस्केप करते हैं। एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, और प्रत्येक व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ वो एस्केप करना चाहता है। एस्केप करने का मतलब है रियलिटी से बचकर भागना, दूर जाना। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कहता है कि यदि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एस्केप करता हूँ, तो एस्केप तो सभी लोग करते हैं, तो क्या सब लोग थर्ड लेवल पर तो नहीं पहुँच जाते हैं? केवल मैं ही गया हूँ। बट दैट इज़ द रीज़न, परंतु यही कारण है, ही सैड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी दोस्त सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और प्रत्येक चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने ऐसा दावा किया। माई स्टाम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए माई स्टाम्प कलेक्टिंग, यहाँ क्या है, जो राइटर है उसको स्टाम्प कलेक्ट करने का भी शौक है। That is a temporary refuge from reality. अब वो बताता है कि हाँ ये भी तो एक तरीके से reality से दूर जाने की, एक reality से बचने की एक temporary refuge है। reality से बचने का मतलब यही है कि जैसे हम आजकल की भाग दौड़, परेशानी, insecurity, fear, इन सब चीज़ों का सामना नहीं कर पाते हैं तो हम पुराने दिनों में चले जाते हैं। हम ये कल्पना करते हैं कि वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था, इस तरह से। Well, maybe, हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डोंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, परंतु मेरे दादाजी तो अब सच्चाई से नहीं भागते थे। अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसे टिकट कलेक्ट करने की, स्टाम्प कलेक्ट करने की नरेटर की हैबिट थी, इसी तरह से उसके दादाजी भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे। अब वो यही बात प्रूव करना चाहता है कि अगर टिकट कलेक्ट करना ये रिफ्यूज़ हो सकता है, एस्केप करना कहलाता है, तो फिर ये तो सभी करते हैं, और यहाँ तक कि मेरे दादाजी भी मेरे दादाजी भी टिकट कलेक्ट करते थे और स्टाम्प कलेक्ट करते थे, तो उन्हें तो एस्केप करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, कि उनके दिनों में जो चीज़ें थीं वो बहुत अच्छी थीं और शांतिपूर्ण थीं। उन दिनों में तो इस तरह से फियर या फिर इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स नहीं थी। ठीक है, फ्रॉम ऑल आई हियर, और जैसा कि मैंने सबसे सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा कलेक्शन शुरू किया था। उन्होंने मेरा कलेक्शन शुरू किया था, इसका मतलब बनता है क्योंकि जो कलेक्शन स्टाम्प्स का आज इसके पास है, नैरेटर के पास, वो केवल इसका ही नहीं है बल्कि वो बहुत पुराना कलेक्शन है, जिनमें से पहले कुछ कलेक्शन उनके दादाजी ने भी किया था और उसी कलेक्शन को अब ये नैरेटर आगे बढ़ा रहा है। इसलिए वो कहता है कि ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। ठीक है, इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ फोर और प्रैक्टिकली एवरी US इशू, जो US की प्रत्येक घटनाओं के बारे में भी है। फर्स्ट डे कवर्स, और फर्स्ट डे कवर्स भी इसमें बहुत सारे शामिल हैं। फर्स्ट डे कवर के बारे में मैं बता दूं, फर्स्ट डे कवर ये होता है कि जो स्टाम्प कलेक्ट करने के शौकीन होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई नया स्टाम्प जारी किया जाता है तो वो उसको उसी दिन परचेज करते हैं और उसी दिन वो अपने एक खाली लिफाफे में या एक खाली पेज लिफाफे में डालकर उस लिफाफे पर वो टिकट्स को चिपकाते हैं ताकि वो स्टाम्प, जो पोस्ट ऑफिस की स्टाम्प है वो तो उनके पास लग जाए लेकिन वो खाली टिकट, खाली लिफाफा उनके अपने ही घर पहुंच जाए। और वो केवल जो लिफाफा होता है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए होता है कि हम उसको नए टिकट हैं और उन नए टिकट्स को हम अपने पास रखेंगे अपने कलेक्शन के लिए। तो वो जो लिफाफा होता है वो कहलाता है फर्स्ट डे कवर्स। ठीक है, एंड सो ऑन, और उसका जो कलेक्शन था इनके अलावा और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, यू नो, अब वो इसको प्रूव करने की कोशिश करता है नैरेटर कि आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उन्हें भी स्टाम्प कलेक्ट करने की आदत थी, वो भी उसके शौकीन थे लेकिन वो तो एस्केप नहीं करते थे सच्चाई से, ऐसे करके। एनीवे, चलो, हेयर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो कहता है कि चलो ठीक है, छोड़ो इन बातों को, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ क्या था। वन नाइट लेट समर आई, अब इसने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की है। वन नाइट लास्ट समर, एक रात को पिछली गर्मियों में एक रात को, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर रात तक काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल,
बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। अब इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से बस वाले रास्ते को ना चूज करके जो सबवे बना हुआ था उस सबवे को मैंने चूज किया, क्योंकि सबवे बस के हिसाब से बस वाले रास्ते के मुकाबले कुछ फास्टर था, वहाँ पर कुछ तेज़ी से मैं जा सकता था। ठीक है, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड, मैं नहीं जानता, टू मी, मैं नहीं जानता कि ये मेरे लिए किस तरह से घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक साधारण व्यक्ति, चार्ली नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ, 31 ईयर ओल्ड, जो 31 साल का हूँ, एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबरडाइन सूट, और मैंने टैन गैबरडाइन सूट पहना हुआ था। टैन गैबरडाइन का मतलब है लगभग तांबे के कलर का या फिर मनुष्य के स्किन के कलर का, और गैबरडाइन एक तरह का पूरा सूट, बाहर का पहनने वाला पूरा सूट मैंने पहना हुआ था, एंड ए स्ट्रॉ हैट, और स्ट्रॉ का बना हुआ हैट पहना हुआ था, विद ए फैंसी बैंड, जो बिल्कुल उसका जो मोड़ थे वो बिल्कुल फैंसी उसमें थे। आई पास्ट ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं बहुत सारे दर्जनों लोगों के साथ को मैंने पीछे छोड़ा जो लोग बिल्कुल मेरे जैसे थे, एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग, और मैं किसी भी चीज़ से एस्केप नहीं करना चाहता था। अब ये क्या है कि जैसे साइकेट्रिस्ट ने उसको बता दिया था कि भाई तुम तो रियलिटी से एस्केप करना चाहते हो, इसलिए आप नई नई तरीके की इमेजिनेशन में पहुंच जाते हो, तो अब वो उसी बात को बार बार प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं एस्केप नहीं कर रहा हूँ। जैसे इसने ये लाइन बोली, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग, मैं तेज तो चल रहा था लेकिन मैं किसी भी चीज़ से एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पर पहुंचना चाहता था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं कुछ नीचे जाकर स्टेप्स से, मतलब जो सीढ़ी थी उसकी, उनसे नीचे जाकर फर्स्ट लेवल पर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेंस लाइक ए 20th सेंचुरी, जहां से आप 20th सेंचुरी जैसी गाड़ियां पकड़ सकते थे, 20th सेंचुरी गाड़ी का नाम है, और इसने ये चीज़ शो कर दी है कि जो स्टोरी लिखी हुई है ये 20th सेंचुरी में लिखी की स्टोरी है। देन आई वॉकड डाउन अनोदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और फिर मैंने एक फ्लाइट को और डाउन गया, फ्लाइट का मतलब जीना कह सकते हैं, सीढ़ियों से नीचे सेकेंड लेवल पर मैं गया। वेयर द सुबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से ऐसी गाड़ियाँ जाती हैं जो सुबर्बन को जाती हैं, सुबर्बन का मतलब है जैसे बड़े शहर से जुड़े हुए छोटे छोटी कॉलोनी या छोटे छोटे बाहर के एरिया। अब आगे कहता है, डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और मैं वहाँ से सबवे के लिए एक मुड़े हुए दरवाजे में से नीचे गया, झुका, डक्ड इनटू का मतलब झुककर मैं उसमें एंटर कर गया, एंड गॉट लॉस्ट, और उसके बाद मैं खो गया। दिस इज इजी टू डू, ऐसा करना आसान है, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, वो कहता है कि मैं जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है मैं उस पर सैकड़ों बार गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, परंतु जितनी बार भी मैं उसके अंदर गया हूँ, जब मैं उससे बाहर आया हूँ तो नए ही रास्ते से आया हूँ, नए ही सीढ़ियों से या कॉरिडोर में मैं निकला हूँ। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए मील लॉन्ग, अब वो बताता है कि मैं एक बार कई लंबी एक मील लंबी टनल में घुस गया, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और वहाँ से एंटर करने के बाद रूजवेल्ट होटल के की लॉबी में जाकर निकला, और फिर आगे बताता है, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और एक बार और मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में आया था, ऑन 46th स्ट्रीट, यानी 46th स्ट्रीट की एक ऑफिस बिल्डिंग में मैं आ गया था, 3 ब्लॉक्स अवे, वहाँ से 3 ब्लॉक दूरी पर था जो। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जैसे पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केयर्स लाइक रूट्स, जो अपनी कॉरिडोर को और स्टेयर केस आप समझते हैं जैसे जीने जो सीढ़ियों से उतरने चढ़ने की जगह होती हैं, स्टेयर केस को फैलाते हुए,
वो ऐसा मानता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो इतना बड़ा है, बहुत सारी कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारे स्टेयर्स हैं, बहुत लंबी लंबी टनल्स हैं, बहुत दूर दूर तक जाती हुई रोड हैं, तो वहाँ पर जाके कंफ्यूज हो जाता है। तो वो महसूस करता है कि ये ऐसे बढ़ रहा है जैसे पेड़ की बहुत सारी जड़ें हों, जिनका पता लगाना ही बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। वो बताता है कि अब संभवतः एक बहुत बड़ी टनल है जिसे कोई प्रत्येक व्यक्ति आसानी से नहीं जान पाता है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वेयर, जो टाइम स्क्वेयर की तरफ जाती है, भी एक जगह होगी। एंड मे बी अनोदर टू सेंट्रल पार्क, और कोई दूसरी वाली टनल है वो सेंट्रल पार्क को जाती है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रो द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और चूँकि बहुत सारे लोग ग्रैंड सेंट्रल से एग्जिट करते हैं, ए वे ऑफ एस्केप, एग्जिट करते हैं, एग्जिट का मतलब बाहर जाने का रास्ता। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और हो सकता है कि इसी तरीके से मैं भी किसी टनल में प्रवेश कर गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु यह विचार मैंने अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट को कभी नहीं बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में मैं बड़ा था या जिस कॉरिडोर में अंदर था वो लगभग लेफ्ट की ओर एंगल बनाती हुई मुड़ी। एंड स्लैंटिंग, स्लैंटिंग माने तिरछी, डाउनवर्ड नीचे की ओर। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मैं सोचता था कि वो गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, फिर भी मैं उसमें आगे चलता चला गया। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स, और जो कुछ मैं वहाँ सुन सकता था वो केवल मेरे अपने पैरों की आवाज़ थी। एंड आई डिडंट पास ए सोल, और मैं किसी भी व्यक्ति से होकर नहीं गुजरा, अर्थात मेरे पास से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरा। देन आई हियर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड, और तब मैंने अपने आगे कुछ खोखली आवाज़ें सुनी। दैट मीन्स ओपन स्पेस, इसका मतलब था बिल्कुल खुला हुआ स्पेस, जगह। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और जो टनल थी वो शार्प लेफ्ट में मुड़ गई, आई मतलब एकदम लेफ्ट में मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं एक छोटी सी स्टेयर की फ्लाइट पर नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल थर्ड लेवल पर मैं पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस सेकेंड लेवल पर ही पहुंच गया था। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, परंतु मैंने देखा कि वहाँ कमरे छोटे छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, और वहाँ पर टिकट विंडोज़ भी की संख्या भी कम थी। एंड ट्रेन गेट्स की संख्या भी कम थी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज सॉरी द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, सेंटर में जो इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ था वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वह लकड़ी का बना हुआ था और पुराने दिखने में बहुत पुराना लग रहा था। ठीक है, एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई सेट, और जो बूथ में बैठा हुआ व्यक्ति था उसने ग्रीन आई सेट पहने हुए थे। ग्रीन आई सेट का मतलब है ग्रीन चश्मे पहने हुए थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और लंबी ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो वहाँ पर लाइट थी वो बड़ी डिम थी, मतलब धुंधली थी, और वह टिमटिमा रही थी। देन आई सॉ व्हाई, और तब मैंने देखा कि इतनी धुंधली और टिमटिमाती हुई लाइट क्यों थी। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, कि वे गैस से जलने वाले ओपन फ्लेम लाइट्स थी, जैसे कि गैस से चलने वाली पहले लाइट हुआ करती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए
कि मैं थर्ड रेलवे स्टेशन पर या थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंचा हूं, इस बात को प्रूव करने के लिए नैरेटर ने पूरा वर्णन ऐसे किया है जैसे वो पुराने ज़माने का हो। लेकिन यहाँ ये बात सिद्ध होती है कि इस जब वो पहले रह रहा था, जिस एरिया में वो रह रहा था, जिस टाइम में वो रह रहा था, उसी समय में एक साथ दो दो तरह के लोग कैसे रह सकते हैं, कि एक पुराने ज़माने का और एक बिल्कुल नए ज़माने का। दैट इज़ इट प्रूव्स दैट इज़ टोटल इमेजिनेशन डन बाय द नैरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे और भी इसने इनका वर्णन किया थर्ड लेवल पर क्या क्या था। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर कुछ ब्रास के बने हुए स्पिटन्स थे, पीक दान थे, एंड अक्रॉस द स्टेशन द ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और वहाँ पर स्टेशन पर जो लाइट की एक चमक मेरी आँखों में आई। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, कि एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट में से अपनी गोल्ड वॉच को निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर खोला, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली, एंड फ्राउंड, और फ्राउंड का मतलब त्योरी चढ़ाई। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहने हुए था, ए ब्लैक फोर बटन सूट, और ब्लैक फोर बटन सूट विथ टाइनिंग। ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, वह बड़ी बड़ी काली काली और घुंघराली मुस्टैच यानी मूछें रखता था। देन आई लुक्ड अराउंड, और तब मैंने अपने चारों तरफ देखा, एंड saw दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, और तब मैंने देखा कि स्टेशन पर सभी लोग 1890 जो डेट है इसमें सन है 1890 वाला के समथिंग उनके जैसे ड्रेस पहने हुए थे, जैसे लोग सभी 1890 में पहनते थे। आई नेवर saw सो मैनी बियर्ड्स, मैंने अभी तक इतनी सारी बियर्ड्स नहीं देखी थी। बियर्ड्स नहीं देखी थी का मतलब अभी तक मैंने इतने सारे लोग एक साथ दाढ़ी वाले नहीं देखे थे। साइड बर्न्स, साइड बर्न का मतलब होता है जो कान के पास बड़े बड़े दाढ़ी से मिलते हुए बाल होते हैं। एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और इस तरह से कानों के पास वाले बालों वाले और फैंसी मुस्टैच वाले लोग मैंने अपने जीवन में नहीं देखे थे। ए वोमैन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत ट्रेन के गेट से चली, मीन्स वहाँ से वॉक की उसने। शी वोर ए ड्रेस विद ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली एक ड्रेस पहनी हुई थी, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटनड शूज, अपने हाई बटनड शूज के टॉप तक स्कर्ट्स पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर, और उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक से अलग, जो रेलवे ट्रैक थी उससे कुछ अलग। आई कॉट ए ग्लैंस ऑफ ए लोकोमोटिव, मैंने लोकोमोटिव पर ध्यान दिया। लोकोमोटिव का मतलब है जो पुराने ज़माने की ट्रेन हुआ करती थी। ए वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक, एक छोटी, बहुत छोटा करियर और ईव्स लोकोमोटिव जो फनल शेप्ड के स्टॉक के साथ थी। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया। टू मेक श्योर, यानी वो कहना चाहता है कि अब मैं जान गया कि मैं थर्ड लेवल पर था और ये पुराने ज़माने के दिनों में मैं पहुंच चुका था थर्ड लेवल पर। तो वो कहता है कि टू मेक श्योर, अब इस बात को मैं पक्का करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया। न्यूज़ बॉय का मतलब एक जो न्यूज़ बॉय था जो पेपर बेच रहा था उसके पास मैं गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास जो पेपर का गट्ठा रखा हुआ था उस पर मैंने नज़र डाली। इट वॉज द वर्ड एंड द वर्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, यह
द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर था जो कि सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो न्यूज़पेपर पर जो सब लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ बताती थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सेंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। दोबारा देखें इसको, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सेंस, और तब मैंने पहले वाले पेज को पाया, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, जो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में, एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894, और इस पर जो डेट डली हुई थी वो 11 June 1894 थी। ठीक है, आगे बढ़े। अब तक ये जो भी वर्णन था वो ये सारा वर्णन था कि थर्ड लेवल पर किस तरह के लोग थे, किस तरह की उनकी वेशभूषा थी और किस तरीके से वो वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, उसके बाद वो आगे बात करता है। आई टर्न टुअर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वॉन्टेड टू गो। अब मैं टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा यह जानते हुए कि यहाँ इस थर्ड लेवल पर जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके थर्ड लेवल पर मैं ऐसे टिकट खरीद सकता था जहाँ से मैं और लुइसा यूनाइटेड स्टेट्स के कहीं भी जा सकते थे, जहाँ हम जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894 ईस्वी में एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गर्ल्सबर्ग, और मैं गर्ल्सबर्ग के लिए दो टिकट लेना चाहता था, इलिनॉइस, गर्ल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए दो टिकट लेना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अब भी बहुत अधिक वंडरफुल कस्बा है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े फ्रेम हाउसेज जहाँ पर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं, एंड ट्रीमेंडस ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ दट स्ट्रीट्स, जो जिनकी ब्रांचेज ऊपर जाकर मिलती हैं और वे स्ट्रीट की एक छत के तरह की रचनाएं बना लेती हैं। एंड इन 1894 ईस्वी में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, वो लगभग दो गुनी लंबी, समर की इवनिंग्स लगभग दो गुनी लंबी हो जाती हैं, मतलब उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन, और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने लॉन पर आकर बैठ जाते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, जो लोग हैं वो सिगार पीते हैं और चुपचाप तरीके से, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बातें करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें हैं पाम लीफ के जो फैंस बनाती हैं, वो पंखे बनाती हैं, उनको वो हिला रही होती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके आसपास कर चारों तरफ फायर फ्लाइज यानी जुगनू होते हैं, जो रात को जलने टिमटिमाने वाले छोटे कीट पतंगे होते हैं। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और इस पूरे शांतिपूर्ण संसार में, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। वो कहना चाहता है कि इस संसार में अगर हम अभी से चले जाते हैं, जो थर्ड लेवल वाला संसार है अगर उसमें जाते हैं, तो यहाँ का जो समय है वो 1894 ईस्वी का है, और उसके लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसको होने में अभी 20 साल बाकी हैं, और जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसको होने में लगभग 40 साल बाकी हैं, ऐसा वो कहता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वार फर्स्ट से भी पुरानी बात का उसने वहाँ पर जिक्र किया है। आई वॉन्टेड टू टिकट फॉर दैट, और इस चीज़ के लिए मैं दो टिकट खरीदना चाहता था, ऐसा उसने माना, और अब वो टिकट खिड़की की तरफ चला गया। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क वहाँ पर बैठा हुआ था उसने किराया बनाया कि भाई इतना पैसे का किराया तुम्हारा बनेगा। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और उसने मेरे जो मेरा हैट फैंसी हैट था उसकी तरफ उसने देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, परंतु फिर भी उसने, मतलब मेरी तरफ वो देख रहा था लेकिन फिर भी उसने जो किराया था वो बना दिया। एंड आई हैड एनफ फॉर टू कोच टिकट्स वन वे, और मेरे पास दो कोच टिकट्स के लिए, एक तरफ वाले
टू कोच टिकट्स के मेरे पास पर्याप्त पैसे थे, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, परंतु जब मैंने पैसे गिने एंड लुक्ड अप और मैंने ऊपर देखा तो क्या हुआ, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो जो क्लर्क था वह मेरी तरफ घूर कर देख रहा था, ही नोटेड एट द बिल्स, और उसने बिल की तरफ नोड किया, नोड का मतलब गर्दन हिलाई, दैट आरंट मनी मिस्टर ही सैड, अब जो विंडो टिकट विंडो में वो बैठा हुआ था जो टिकट दे रहा था, अब उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या कहा कि मिस्टर ये पैसे नहीं हैं जो आप निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों कहा उसने, आप समझते हैं, क्योंकि उसके पास जो थी वो न्यू करेंसी थी और वो जो थर्ड लेवल पर गया था वो लगभग एक सेंचुरी पहली कहानी के बारे में वो बात कर रहा है, बात नहीं कर रहा है बल्कि कह सकते हैं कि वो इमेजिनेशन कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि आप मुझे धोखा देना चाहते हैं तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे, एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और उसने अपने ही पास के कैश उस ड्रावर में जिसमें कैश रखा हुआ था उसके उसमें एक नज़र डाली, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जो पैसे थे उसके ड्रॉवर में जो पैसे रखे हुए थे उसमें ओल्ड स्टाइल बिल थे, बिल्स का मतलब यहाँ पर पैसे थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज, और वो लगभग आधे लंबाई में आधे थे, जो उसका साइज था वो लगभग आधा था उन रुपयों के जिन रुपयों को वो हम आज के दिनों में यूज करते हैं, ऐसा वो वर्णन करता है, एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग तरीके के दिखते थे, आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, अब वो कहता है जब उसने ये बात कही थी कि यदि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे, बहुत दूर नहीं जा पाओगे का मतलब उसने एक धमकी दी थी कि आप तुम मुझे चीटिंग करना चाहते हैं, ये रुपये ही नहीं है और आप मुझे इनसे रुपये इन्हें देकर मुझे बहकाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा और आपको जेल भिजवा दूंगा, ठीक है। तो आगे वो बोलता है देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, और इसीलिए हाँ इसको पहली वाली लाइन देखेंगे, आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं वहाँ से मुड़ गया और तेज़ी से वहाँ से भाग आया, देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, वो कहना चाहता है कि जेल में कुछ भी अच्छा नहीं है, इवन इन 1894 और इवन जो 1894 की जेल हैं उनमें भी कुछ अच्छा नहीं है, का मतलब इससे यह है कि वो जेल में नहीं जाना चाहता था, जेल जाने से बचना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से डरकर वहाँ से भाग आया, एंड दैट वॉज दैट, और ये सब बात थी। अब इसने बताया आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं उसी ठीक रास्ते से वापस आ गया जिससे अंदर गया था, आई सपोज नेक्स्ट डे, और मैं मानता हूँ अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर्स, लंच के समय में, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने अपने बैंक से $300 निकाले, नियरली ऑल वी हैड, और लगभग वो सारे ही थे जितने हमारे पास थे, मतलब सारे ही लगभग $300 थे, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने प्रकार की करेंसी खरीद ली, दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अब इस बात ने मेरे साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड था उसको थोड़ा सा चिंतित कर दिया था कि भाई मैंने सारे के सारे पैसे निकाल कर सबको पुरानी करेंसी में बदल लिया था, यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, और तुम किसी भी कॉइन डीलर से पुरानी करेंसी बदल सकते हो, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, परंतु तुम्हें कुछ अतिरिक्त देना पड़ेगा, माई $300 बॉट लेस देन $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मेरे जो आज के $300 थे उनसे पुराने ज़माने की $200 से भी कम के बिल यानी पैसे मुझे मिले, बट आई डेंट केयर, परंतु मुझे कोई चिंता नहीं थी, चिंता क्यों नहीं थी, वो कहना चाहता है कि यदि मेरे पास पैसे कम हो गए थे तो कोई बात नहीं है, उन पुराने दिनों में तो चीज़ें भी बहुत सस्ती आती थी, जो आज एग्जाम्पल उसने दिया है आगे कि एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894 के 1894 में तो अंडे भी एक दर्जन 13 सेंट के आ जाते थे, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, परंतु वो कॉरिडोर जो थर्ड लेवल पर जाती थी वो मुझे कभी भी नहीं मिली, दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाती थी वो कॉरिडोर मुझे कभी नहीं मिली, ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, यद्यपि मैंने कई बार प्रयास किया,
लुइसा वॉज प्रेटी वरिड वैन आई टोल्ड हर ऑल दिस। और लुइसा जो उसकी पत्नी थी, यानी लुइसा मेरी पत्नी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी जब मैंने उसको ये बात बताई। एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और वो मुझसे नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे लेवल को और अधिक ढूंढूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड। और कुछ समय के बाद मैंने भी उसको सर्च करना बंद कर दिया। ठीक है, आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, यानी उसको ढूंढना बंद कर दिया। अब मेरी जो एक हैबिट थी स्टाम्प कलेक्ट करने की, अब मैंने उसको ले लिया, अर्थात मैं अपनी दूसरी वाली आदत पर गया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, अब जो स्टाम्प कलेक्ट करने की मेरी आदत थी, अब मैंने उसके बारे में सोचा या उस पर मैं वापस पहुँचा गया। बट नाउ वी वर बोथ लिखिंग, परंतु हम दोनों का मतलब मैं और मेरी पत्नी, यानी नरेटर और उसकी पत्नी लुइसा, एवरी वीकेंड में उस रास्ते को तलाशते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल है। जो भी चल रहा है ना, ये स्टूडेंट्स कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर ये केवल इमेजिनेशन में चल रहा है, यानी वो खुद अपने आप में इमेजिन कर रहा है कि हाँ थर्ड लेवल है, बाकी वास्तव में थर्ड लेवल कुछ नहीं है। ठीक है, माई फ्रेंड सैम विनर, जो माई सैम है, सैम इसका साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड बीच बीच में जिक्र आया है, ये वही सैम है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, मेरा फ्रेंड सैम विनर गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था वह कहाँ गया था। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज, परंतु मैं कुछ उम्मीद करता था क्योंकि सैम्स ए सिटी बॉय, के सैम एक शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैंने उसको कई बार गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर, और मैंने ये भी बताया था कि गेल्सबर्ग में ही मैं कभी स्कूल में जाता था, यानी मैं वहीं पर पला बड़ा हूँ। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द पैलेस, और वो बार बार कहता था कि मैं ऐसे स्थान को पसंद करता हूँ। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, और इसीलिए मैं मानता हूँ कि वह वहाँ पर चला गया होगा। ऑल राइट, अच्छा, इन 1894 1894 में, बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन। अब वो आता है अपने स्टाम्प कलेक्शन के बारे में बात करता है कुछ। वो कहता है कि एक बार रात को मैं अपना स्टाम्प कलेक्शन कर रहा था। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, एक रात को वह अपने स्टाम्प कलेक्शन के साथ, आई फाउंड, मैंने पाया। वेल डू यू नो वाट ए फर्स्ट डे कवर इज, क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। वैन ए न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब एक नया स्टाम्प इशू किया जाता है, जो पोस्ट स्टाम्प होते हैं, जब वो नए नए इशू किए जाते हैं, तो क्या होते हैं, स्टाम्प कलेक्टर्स बाई, जो स्टाम्प कलेक्टर्स हैं, यानी स्टाम्प कलेक्ट करने के जो शौकीन लोग हैं, वो उन्हें खरीद लेते हैं सम, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स, और उन्हें मेल के एनवेलप में उनका प्रयोग करते हैं, टू देम सेल्फ, अपने स्वयं के लिए, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल के जिस दिन उनको सेल किया जाता है, उसके पहले दिन ही वो उन्हें अपने खुद के एड्रेस लिखे हुए एक लिफाफे पर चिपकाते हैं और अपने घर के लिए ही उनको मेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, ऐसा वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा एनवेलप, तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस की मोहर लगेगी और ये आगे तक उनके लिए प्रूफ रहेगा कि ये हमने टिकट उस दिन खरीदे थे। द एनवेलप इज़ कॉल्ड ए फर्स्ट डे लेटर और फर्स्ट डे कवर, और इस तरह के जो लिफाफे होते थे वो फर्स्ट डे कवर कहलाते थे। ये राइट उसने नैरेटर ने बता दिया है। दे आर नेवर ओपन्ड, उन्हें कभी भी नहीं खोला जाता था। क्यों नहीं खोला जाता था, क्योंकि वो जानते थे, ज़्यादातर लोग जानते थे कि भाई इसमें जो अंदर रखा है खाली पेज रखा हुआ है केवल, उसका कोई मतलब नहीं है अभी, तो केवल कि लिफाफा हमारे घर पर पहुँच जाए स्टाम्प लगे हुए, इसलिए वो उसको लिफाफा डालते थे। दे आर नेवर ओपन्ड, वे कभी भी नहीं खोले जाते थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, तुम केवल एनवेलप में एक खाली पेपर ही रखते हो, मतलब कोई भी जब उसको रखता है पोस्ट करता था तो खाली पेज रखकर, क्योंकि उन्हें तो अपने घर ही भेजना होता था, उन्हें ज़रूरत थी सिर्फ कि वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुँचे ताकि उन पर स्टम्प लग जाए।
दैट नाइट, उस रात। अब वो कहता है कि जब मैं एक दिन इस तरह से रात को कलेक्शन करके लेके बैठा था, कलेक्शन को सारे को मैं देख रहा था, तब क्या हुआ। एमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स जो थे उनमें, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, उनमें एक ऐसा फर्स्ट डे कवर पाया जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, परंतु यह वहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने इसे मेरे ग्रैंडफादर को मेल कर दिया था। एट हिज होम इन द गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग में, दैट इज़ वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और ये वो था जो एनवेलप में लिखा हुआ था, जो एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह 18 जुलाई 1894 से वहीं पर था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो पोस्ट मार्क लगा हुआ था, पोस्ट मार्क का मतलब पोस्ट ऑफिस का जो स्टाम्प लगा हुआ था, वो दर्शाता था कि, येट आई डेंट रिमेंबर इट ऑल, इट एट ऑल, यद्यपि मैं इसको पूरी तरह से याद नहीं करता हूँ। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट, और जो उस पर स्टैम्प लगा हुआ था वो 6 सेंट का था। डल ब्राउन, थोड़ा सा फीका ब्राउन कलर का हो गया था। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, प्रेसिडेंट गारफील्ड की उस पर तस्वीर बनी हुई थी स्टाम्प पर। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जनरली जैसे कि मेल दादाजी के पास आते थे, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, वो सीधे सीधे ही उनके कलेक्शन में चला जाता था। एंड स्टेड देयर, और वहीं पर रहता था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और यह तब तक वहीं पर रहा होता यदि मैंने इसे लिया ना होता और इसे खोला ना होता तो। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, जो उसके पेपर था वह खाली नहीं था। अधिकतर जो पेपर फर्स्ट डे कवर में होते थे वो ब्लैंक पेपर होते थे, लेकिन वो बताता है कि उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। इट रीड, यह पढ़ता था, का मतलब इसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, कोने पे दे रखा है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलियास, इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, चार्ली मैं ऐसी इच्छा करता हूँ, या मैं ऐसे मानता हूँ, या ये चीज़ें मुझे पता चल चुकी हैं कि आप बिल्कुल ठीक थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और अब मैंने इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया है कि आप सही थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली अब ये बिल्कुल सही बात है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह तक रहा हूँ। एंड राइट नाउ, और अब डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और यहाँ दिल्ली के एक स्ट्रीट के नीचे मैं रहता हूँ। समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, और कुछ कोई व्यक्ति यहाँ पर एक पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, सीइंग नेली होम, और वो सीइंग नेली होम के साथ फ्रंट पोर्च में गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे लेमोनेड के लिए वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, और ढूंढते रहो, तलाश करते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें तीसरा लेवल नहीं मिल जाता है, जब तक इसको ढूंढते रहो। इट इज़ वर्थ इट, यह इसके योग्य है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। अब क्या है, ये जो पत्र है, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। द नोट इज साइंड सैम, जो वो पेपर था उस पेपर पर नीचे साइन रखे थे सैम के। सैम कौन था, साइकेट्रिस्ट, और साइकेट्रिस्ट कौन था, जो इस नैरेटर को बताता था कि ये थर्ड लेवल कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। तो यहाँ क्या हुआ है कि जो नैरेटर है उसने अपनी आप को, अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसने खुद ने ही सैम के नाम से एक पत्र लिखा है और अपने कलेक्शन में उसको शामिल कर लिया है। ये केवल उसकी इमेजिनेशन है कि उसने सैम ने लिखा है, बल्कि वास्तव में पत्र सैम ने नहीं लिखा है। ठीक है,
आगे देखते हैं, एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। स्टाम्प और कॉइन के स्टोर में मैं जाता हूँ। आई फाउंड आउट दैट, और मुझे पता चला कि सैम बॉट $800 के सैम ने $800 खरीदे थे वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी स्टाइल यानी पुराने तरह की जो करेंसी थी उसके $800 के बराबर की उसने करेंसी खरीदी थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे, दैट ऑट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और इससे उसने अब अच्छा, हे माने घास फूस का, फीड माने चारे का, खाद्य पदार्थों का, और ग्रेन माने अनाज का बिजनेस उसने यहाँ पर किया होगा। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था, दैट इज़ वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि ये वो चीज़ है जिसे वह वास्तव में करना चाहता था। क्या करना चाहता था? घास फूस का और अनाज का बिजनेस। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह निश्चित रूप से अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस में इन 1894। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। व्हाई? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्यों? सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो चैप्टर है वो केवल रियलिटी और इमेजिनेशन का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें जो भी बाद में से बात हुई है वो नैरेटर ने केवल अपनी बात को ये सिद्ध करने के लिए कि थर्ड लेवल है, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए उसने थर्ड लेवल की पूरी कल्पना अपने मन में कर ली है कि वहाँ कैसे लोग थे, कैसे रह रहे थे, वहाँ विंडो टिकट खिड़की कैसी थी, उससे मेरी कैसी वार्तालाप हुई, और उसके बाद फिर उसने अपनी बात को और प्रूव करने के लिए एक सैम का लेटर भी, सैम के नाम से लेटर भी लिखकर अपने कलेक्शन में इकट्ठा कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको ये ना बताऊं तो हो सकता है कि आप ये समझ ही ना पाएं कि लेटर किसने लिखा था। वास्तव में लेटर सैम ने नहीं लिखा था, लेटर केवल जो नैरेटर है उसने खुद ने लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वॉज द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।